नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम मैथ कर रहे हैं, और मैथ में आपका चैप्टर 6 चल रहा है लघु गुणक का, जिसमें वीडियो नंबर आज 9 जाने वाला है। इससे पहले वीडियो 8 तक हमने करा दिए हैं, तो इसमें एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपके 1 और 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, पूरा हमने नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, बहुत मेहनत की हुई है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पे पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने अंक होंगे। जबकि कहा है लॉग 2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.30103, ये आपको लॉग की वैल्यू दी है, ये आपके क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो लॉग पे पावर मतलब 2 पे पावर है 50, यहाँ पे हम लॉग ले लिया हमने, ठीक है, लॉग ले लिया, लॉग 2 पावर 50। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है ना, पावर आगे आ जाती है, हमने बताया था किस सूत्र से, तो इस सूत्र से। यहाँ पे मैंने आप कोष्टक में लिखा हुआ है, प्रयुक्त सूत्र बराबर लॉग एम पे पावर एन बराबर एन लॉग एम। तो इस तरीके से हमने ये 50 पावर है वो आगे ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर 50 पावर आगे ले ली, लॉग 2 रह गया, लॉग 2, तो लॉग 2 की ये हमने वैल्यू रख दी जो उसने ऊपर दी हुई थी। अब इसका हम इसमें मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल करने के बाद हमें मिलेगा कितना, 15.0512515। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल पाओगे, आसानी से कर पाओगे। सबको सोल्यूशन दिया हो, इसी तरीके से कॉपी में भी लिख कर आना, ताकि आपके सभी अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें, आपको कोई भी आपको दिक्कत फेस ना करनी पड़े, ठीक है। आगे देखेंगे 3 पे पावर 17 सेम टू सेम है, अंकों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लॉग 3 की वैल्यू दी गई, क्योंकि लॉग 3 का इसमें यूज होगा, तो इसलिए इसने दी हुई है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम देख लेंगे, 3 पे पावर 17 यहाँ पे लॉग ले लिया हमने, तो लॉग 3 पे पावर 17। अब ये जो 17 है ये आगे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, इस सूत्र से। तो लॉग एम पे पावर एन बराबर एन लॉग एम, ये सूत्र हमने लगाया हुआ है, प्रयुक्त सूत्र ऊपर लगाया हुआ है, तो ये 17 आगे आ गया, लॉग 3 पीछे रह जाएगा। अब लॉग 3 की हमने यहाँ पे देखिए वैल्यू रख दी है, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 8.111062 1। तो इस तरीके से अप्रोक्स में हम इसे 8 मान लेंगे, ठीक है, तो अप्रोक्स में इसे क्या मान लेंगे, 8 मान लेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहा है कि सिद्ध आपको करना है। तो ये वैल्यू आपको ये वैल्यूएशन दी हुई है, देखिए आप सभी, ये दिया हुआ है 2 log 15/2, ठीक है, माइनस लॉग 25/81 प्लस लॉग प्लस 3 log 2/9 बराबर में लॉग 2। तो लॉग 2 सिद्ध हमें करना है, तो हम LHS ले लेंगे, उससे हम RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो LHS से RHS निकाल के देखेंगे, तो LHS हमने यहाँ पे ले लिया, आप देख सकते हो ये पूरा आपका LHS है। आपको इसे एक बार तो लिखना ही लिखना है, जो LHS आपने लिया हुआ है वो आपको जरूर लिखना है। अब क्या किया हुआ है देखिए हमने, तो यहाँ पर ये देखिए 15 था, 15, तो 15 को हमने फैक्टर कर लिया है, 15 को क्या कर लिया हमने, फैक्टर कर लिया इस तरीके से, देखिए ये 15 है, इसको फैक्टर कर लिया है। इसके बाद आप 25 आप देख सकते हैं, इसको हमने फैक्टर कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर 81 था, इसे भी हमने फैक्टर कर लिया, आप देख लीजिए यहाँ पे, और ये जो 9 है इसे भी हमने फैक्टर कर लिया। नीचे देखिए, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सब कुछ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए 3 × 5 में मैंने 15 को कर लिया है, इसके बाद माइनस का 2 पे पावर कितना हो जाएगा, मतलब 5 पे पावर 2 हो जाएगा, 25 को 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 5 × 5 ही तो होता है, 5 × 5 बराबर कितना होगा, 5 पे पावर 2 हो गया। तो इस तरीके दो लिख दिया है, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 81 हो गया, मतलब 4 हो गया, क्यों, 3 का मल्टीप्लाई इट सेल्फ उसमें ही करोगे 3 4 बार, तो ये 81 हो जाएगा, क्यों, 3 × 9 9 = 70 70 = 81, तो इसलिए 81 हो गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 81 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हमने क्या 3 का जो स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले तो हमने फैक्टर करा है, फैक्टर करने के बाद अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे। आप देख सकते हो 2 हमने बाहर ले लिया, इस पोर्शन से हमने क्या करा, 2 बाहर ले लिया लॉग 3। अब इसे तोड़ते जाएंगे, तो ऊपर एम इंटू एन बन रहा है, तो ये प्लस में टूट जाएगा, लॉग 5 प्लस में तोड़ दिया, माइनस का ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि लॉग एम बट्टे एन किस में टूटता है, माइनस में टूटता है। इस तरीके से ये पूरा सेक्शन खोल दिया हमने, इसी प्रकार से ये सेक्शन खोल देंगे, ठीक है, इसी प्रकार से ये सेक्शन खोल देंगे, और आगे देखेंगे तो इसी प्रकार से आगे वाले सेक्शन को हमने खोल दिया है। तो इस तरीके देखिए ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला यहाँ पे जो लगाया हुआ है,
ये हमने फॉर्मूला लगाया हुआ, इस फॉर्मूले से हमने खोला हुआ है इस पूरे वाले सेक्शन को। आगे इसमें क्या करा है देखिए, तो यहाँ पर आगे हमने क्या करा, इसको बीच वाले सोल्यूशन को इस पर करा हुआ है, ये तो सेम टू सेम रह जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा है देखिए, ये जो पावर चढ़ी हुई है ना पावर, इस पावर को हम आगे खिसका लेंगे। तो आगे देखिए हमने इसे खिसका लिया है, और किसके सूत्र से खिसका लिया, तो ये सूत्र लगा है, ये सूत्र हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लॉग एम पे पावर एन। तो इसमें जो जितनी पावर्स ऊपर लगी हुई थी उनको आगे आगे खिसका लिया है, ठीक है। तो आप नीचे वाले इस पोर्शन में देखेंगे तो इसमें भी हमने जो पावर थी उसे आगे खिसका लिया, आगे ले लिया है, ठीक है। इसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इनको आपको सबको खोल देना है, ठीक है, खोल देना है। तो आप देखिए यहाँ पर खोला हुआ है, तो इसमें दो मल्टीप्लाई करेगा, क्यों क्यों को दो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि दो बाहर था भाई, दो ये बाहर था ना, ये दो बाहर था इसलिए ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ तीन बाहर था तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये वाला सेक्शन हमको मिलेगा, ये वाला सेक्शन आप मल्टीप्लाई करिए, ये आपको सेक्शन मिलेगा। इसमें देखिए तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगी, ठीक है। ये टू लॉग फाइव और टू लॉग फाइव, ये प्लस और माइनस नहीं इसलिए कट जाएंगी, अभी इन्हें हमने नहीं काटा हुआ है, ठीक है, ये हमने नहीं काटी हुई है, ठीक है, ये हमने नहीं काटी हुई, पहले से हमें सॉल्यूशन करना है इनका। अब क्या करना है, इसमें हमने देख लिया कि जो समान पद थे वो समान पद हमने रख लिए, देखिए लॉग थ्री वाला तो लॉग थ्री वाले के पास रख दिया, लॉग टू वाला था तो लॉग टू वाले के पास रख दिया, लॉग थ्री वाला पोर्शन वाला था तो लॉग थ्री का पीछे रख दिया है, ठीक है, और लॉग थ्री का यहाँ पर रख दिया है, लॉग टू का यहाँ रख दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसे जोड़ घटा लिया है, आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमारा जो सेक्शन कट जाएगा वो लॉग फोर, मतलब फोर लॉग थ्री और फोर लॉग थ्री कट जाएगा, फोर लॉग थ्री कट जाएगा, ये आपका सेक्शन कट गया। और कटने के बाद यहाँ पर क्या है देखिए, तो यहाँ पर जो सेक्शन आगे आपको दिख रहा है, तो इनको भी आप जब सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास लॉग टू बचेगा, ये भी आपस में जुड़ घट जाएंगे और कट जाएंगे, ठीक है। तो आप इन्हें भी काट सकते हैं, लॉग ये जुड़ जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे सिक्स लॉग थ्री दिया हुआ है, सिक्स लॉग थ्री दिया हुआ है ना, तो देखिए फोर लॉग थ्री ये रहा, ठीक है, ये माइनस का है ऊपर वाला सेक्शन, फोर लॉग थ्री ये रहा और यहाँ पर टू लॉग थ्री और देख लीजिए कहाँ पे है, तो देखिए टू लॉग थ्री ये रहा, ये दोनों सिक्स लॉग थ्री हो जाएंगे दोनों मिलके, और इस माइनस वाले से ये सेक्शन पूरा कट जाएगा, आगे समझ में बात, माइनस वाले सेक्शन से ये पूरा लॉग कट जाएगा। अब यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये थ्री लॉग टू, थ्री लॉग टू दिख रहा है ना, थ्री लॉग टू और थ्री लॉग टू और लॉग थ्री, थ्री वाला सेक्शन देख लीजिए, ये थ्री वाला सेक्शन हमने पहले ही काट दिया होगा, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये कट जाएंगे सेक्शन, टोटल मिला के सब कट जाएगा, कटने के बाद बचेगा लॉग टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेक्शन को कर पाएंगे पूरा, यहाँ पे मिला लीजिए आप आसानी से, तो इसे कर पाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चंस करा देंगे जो आपके दो क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, ये क्वेश्चन में सिक्स सेवन एट तीन करा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।